आसमान के फरिश्ते दो दफा रोए हैं, सात आसमान के फरिश्ते दो दफा रोए हैं इंसानी तारीख में। 4000 साल पीछे एक 92 साल का बूढ़ा छुरी छुपाए खड़ा है और 6 साल के बच्चे से कह रहा है, बेटा तेरे जबा करने का हुक्म हो चुका है, तू क्या कहता है? इस्माइल और इब्राहिम, छुरी चल गई, पट्टी थी नहीं पता चला, खोली है तो, खोली है तो। इस्माइल मुस्कुरा रहे, छतरा जबा था, और लहू लुहान है, ये मेरा नबी है, अल्लाह से गिला किया है, ये मेरा नबी है, ये मेरा नबी है, ये आपका नबी है, माशो इलाही कदा फकुल, और लहू लुहान है, और एक अल्लाह से गिला किया है, इस दुआ को सुनकर सारे फरिश्ते रोए हैं, اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقلة علتي وهواني على الناس। दूसरी बात जिस पे बहुत ज्यादा इन दो हफ्तों में तहलका मचा है और बहुत ज्यादा लोगों ने जिस बात पे हमें कोसा भी है, धमकियां भी दी हैं, कत्ल के मुतालिक भी इरशाद फरमाया है, वो बात मां तारिक जमील साहब की। मां तारिक जमील साहब के मुतालिक हम बड़े वाज़ेह और साफ लफ्ज़ों में अब भी ये कहते हैं, हमने पहले भी ये कहा है और हमें इसकी कोई तरबीत का खौफ नहीं है कि मौलाना अपने अक्सर बयानात में वो रिवायात बयान करते हैं जो रिवायात झूठ पर मबनी हैं। वो कहते हैं आसमान के फरिश्ते दो मरतबा रोए, एक मरतबा जब हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए अपने बेटे को लिटाया, सब झूठ है, न फरिश्ते रोए हैं न कुछ हुआ है, ये क्या बात है? आखिर फरिश्तों के रोने की इत्तला अल्लाह ने किसी को दी होगी ना, ये कोई आसमान पे गया होगा ना फरिश्ते को देखने के रो रहे हैं, ये फरिश्ते ने आके बताया होगा कि हज़रत हमने मातम किया। खबर के जितने मुमकिन ज़राए हैं इस खबर को कि फरिश्ते रोए हैं आप किसी भी जरिए पे परख लीजिए, साबित हो जाए तो हमें बता दीजिए, हम 100 मरतबा रह चुके हैं। मौलाना ने इरशाद फरमाया दूसरी मरतबा कि फरिश्ते रोए हैं जब उसने रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उहद का दिन आया था, इस दिन आया, बिल्कुल ठीक है, इसकी इत्तला आपको किसने दी है कि फरिश्ते रोए हैं और फरिश्ते परेशान? हज़रत रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तला दे सकते थे, उन्होंने तो कुछ नहीं फरमाया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इत्तला दे सकते थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। फरिश्ते बराहे रास्त आपके पास आए हों और उन्होंने आपको बताया कि एक अलग मसला है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है, बिल्कुल फरिश्ते नहीं हुए ना, उन्हें इस किस्म की जज्बाती चीज़ें आती कि मौलाना इन रिवायात को साबित कर दें, झूठ और जज्बात पर मुश्तमिल दीन नहीं चाहिए यार, जिस दीन को अपनी तायीद के लिए झूठी रिवायतें घड़नी पड़े, जिस दीन को अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए झूठ से रजू करना पड़े, जैसे कि अहले तशय्यु करते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसा दीन, खुदा बाज रखते ऐसे दीन से, इस्लाम की बुनियाद अगर झूठ पे कायम है तो अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम से, नहीं चाहिए बस, जान छोड़ो। इधर आया हज़रत रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमने बड़ी मुश्किल से ये बयानात सुने, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोलता चला जाए, बोलता चला, बोलता कोई भी ना बोले यार, आप सच्चाई का साथ दें, आप शख्सियत को एक तरफ करें। हज़रत मौलाना इंटरनेशनल लेवल के आदमी हैं, लाखों नहीं करोड़ों उनके मुतअक़िदीन हैं, हुआ करें, हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ये ना करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ ना बोलें, बस ये ना करें कि खुदा का ये दीन झूठ से साबित है, हमारी अगली नस्लें गुमराह हो रही हैं, ये कल को उठेंगी पूछेंगी आपने आपने पढ़ा नहीं ईसाइयत कैसे बर्बाद हुई, पादरियों से पूछते जा जाके ये जो तुम कह रहे हो इसका कलम क्या हल है, हम सिर्फ उसका एक छोटा सा किस्सा करते हैं, बिल्कुल मामूली सा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।